सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीए बाई पीयूष सर पे तो दोस्तों 11 बज चुके हैं और आपके लिए वीकली करेंट अफेयर का पार्ट टू दोस्तों लेकर के आया हूं आज मैं वैसे तो 11 बजे टॉप 10 फिनेंशियल टर्म्स बैंकिंग टर्म्स पे चर्चा हम लोग करते हैं डेली लेकिन क्योंकि कल संडे को वीकली करंट अफेयर्स की क्लास की दोस्तों एक पार्ट हम लोगों के रह गए थे यानी एक से पांच नवंबर तक में एक से तीन नवंबर तो हम लोगों ने वहां कवर किया था चार और पांच नवंबर दोस्तों हम लोगों ने आज कवर करने का फैसला किया है चार पांच और तो दोस्तों फटाफट जो है हम लोग इसे शेयर करते हैं जितने भी प्लेटफॉर्म है दोस्तों वहां शेयर कर दीजिए और दोस्तों लाइक कर दीजिए और यहां पर दोस्तों अपनी हाजिरी दर्ज कराइए एक बार कमेंट करके कि यस सर मैं आ चुका हूं ताकि मुझे ये भी पता चल सके कौन कौन मेरी क्लास कर रहा है ठीक है क्लियर है और दोस्तों आप लोग अपने स्टेट्स भी बताइए कि भाई किन राज्यों से आप लोग आते हैं और आप लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं ठीक है चलिए ठीक है तो दोस्तों यहां पर याद रखिए वीकली करेंट अफेयर की क्लास का ये सेकेंड पार्ट है जो आज हम लोग कर रहे हैं ऐसे ही दोस्तों मंथली करंट अफेयर का भी एक पार्ट दोस्तों आज रात को नौ बजे होने वाला है अक्टूबर मंथली का रात को नौ बजे दोस्तों सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा लें जो लोग पहली बार आ रहे हैं क्योंकि ये जीए जीके जीएस का वन स्टॉप सेंटर है अगर आपको जीए जीके जीएस करंट अफेयर शॉर्ट्स और अपडेट्स दोस्तों बहुत सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं एक टीम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों एक नया चैनल भी बना रहे हैं और उस पर भी हम लोग का दोस्तों लॉन्चिंग होने वाली है आज शाम को तो इन सब अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में से भी आप दोस्तों जो है ज्वाइन कर सकते हैं जीए बाई प्यू से टेलीग्राम पे सर्च करके भी कर सकते हैं ऊपर चैनल आर्ट में है चैनल के अबाउट में है हर जगह है दोस्तों ठीक है क्लियर है याद रहेगा ओके चलिए दोस्तों तो ये सारी चीजें हैं जिसे आप लोग यहां पे नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरे जब भी करंट अफेयर के अपडेट्स आए शॉर्ट्स आए तो वो आप लोगों को तुरंत दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मेरी अभी क्लास आई तो उसका भी दोस्तों जो है नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है दोस्तों बेस्ट टू हंड्रेड लास्ट सिक्स मंथ करेंट अफेयर मैराथन क्लास रात को नौ बजे होती है क्योंकि दोस्तों कल हम लोग का आ, अक्टूबर का मंथली करंट अफेयर रिवीजन क्लास थोड़ा बाकी रह गया था अक्टूबर है इसलिए मुझे कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के मन नहीं कर रहे हैं लेटेस्ट मंथ है इसलिए एक पार्ट उसका और है जो आज रात को होगा ठीक है क्लियर है टॉप टेन की क्लास दोस्तों ग्यारह बजे होती थी जिसकी जगह आज का वीकली करंट अफेयर क्लास हो रहा है रिविजन क्लास बैंकिंग का पूरा बैच मैंने पढ़ाया हुआ पचास लेक्चर दोस्तों करीब पढ़ाए हुए हैं जाकर के प्ले में देख लीजिएगा दोस्तों प्ले भी आपको यहां पर मिल जाएगा ओके okay? दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ठीक है और दोस्तों वू हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है ये यहां पे प्रश्न है क्वेश्चन है आपको बताना है इसका आंसर ठीक है देखते हैं कितने लोग यहां पे सही जवाब देते हैं ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार तो दोस्तों ये अपनी नई थीम कैसी लग रही है थोड़ा ये भी बताइया कि नई थीम अपनी कैसी लग रही है इसराइल के प्रधानमंत्री दोस्तों लेपिड की जगह फिर से वापस से बेंजामिन नेतन्याहू बन गए जनरल इलेक्शन में इन्हें दोस्तों बहुमत मिला है पहले ये मिली जुली सरकार में थे तो बार बार इनको जो कोई ना कोई ब्लैकमेल करता था गठबंधन सरकार में थे अब इनको पूर्ण बहुमत मिल गई है दोस्तों मोदी जी के परम मित्र रहे हैं भारत के प्रति इनका झुकाव बहुत अच्छा रहा है तो दोस्तों जो है यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू को इसराइल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इसराइल की जो कैपिटल है दोस्तों वो जेरूसलम है पुरानी कैपिटल तेल अवीव है दोस्तों तेल अवीव जो कि दुनिया का सबसे महंगा शहर है दुनिया का सबसे महंगा शहर है दोस्तों इसको मुस्लिम देश मान्यता नहीं देते हैं किसने क्योंकि इसने फिलिस्तीनियों को दोस्तों बाहर करके उनके देश पे कब्जा किया जेरूसलम पे कब्जा किया उसे अपनी कैपिटल बनाई यहूदियों का छोटा देश है मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है लेकिन भाई साहब गजब का देश है अगर कोई उसके ऊपर हाथ उठाता है तो भैया हाथ ही तोड़ देता है आई एस आई एस जबकि इसी के बगल में दोस्तों सीरिया में एक्टिव है लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं है कि इन लोग के खिलाफ कुछ कर दे तो दोस्तों ये जो बहुत ही खतरनाक देश है बेंजामिन नेतन्याहू कमांडो में भी रह चुके हैं आर्मी में भी रह चुके हैं वहां के तो दोस्तों बड़े ही तेज तर्रार व्यक्ति हैं दोस्तों यहाँ की जो नई कैपिटल है वो जेरूसलम है जेरूसलम पे भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है और शेकेल यहाँ की करेंसी है और दोस्तों नेसेट यहाँ की संसद का नाम है नेसेट यहाँ की संसद का नाम है और दोस्तों जो है इनकी बहुत खतरनाक एक वो है खुफिया एजेंसी है कमांडो है उसका नाम क्या है दोस्तों आपको बताइए फटाफट बताइएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों किस भारतीय कंपनी ने ट्वेंटी फोर्थ वर्ल्ड क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है तो दोस्तों किस भारतीय कंपनी ने ट्वेंटी फोर्थ वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड जीता है क्लाउड नेटिव अवार्ड तो दोस्तों यह जीता है जियो प्लेटफॉर्म ने तो एक इंडियन कंपनी दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म जिसके हेड आकाश अंबानी बन गए हैं मुकेश अंबानी के सुपुत्र आकाश अंबानी जियो एक पेमेंट बैंक भी आता है दोस्तों जिसमें एस का थर्टी परसेंट शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री का सेवेंटी परसेंट शेयर है आकाश अंबानी दोस्तों इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर में इंडिया की तरफ से चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय हैं इमर्जिंग ऑन्टरप्रेनियर में ठीक है जियो कंपनी के हेड हैं अभी लैंडलाइन के रजिस्ट्रेशन में भी दोस्तों जियो ने टॉप किया है सबसे बड़ा बी को पीछे करके सबसे बड़ा लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर भी जियो बन गया है ओके okay? क्लियर है तो दोस्तों यहां पे यह बात याद रखिएगा ओके जियो हैज इन्वेस्टेड इन एक्सेस ऑफ 50 बिलियन यूएस डॉलर सिंस इट्स इंसेप्सन टू क्रिएट द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड डिजिटल कनेक्टिविटी इको इन इंडिया ओके okay? तो दोस्तों ये लंदन में आयोजित हुआ है वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड सेरेमनी जिसमें जियो ने ये अवार्ड जीता है दोस्तों दुनिया की टॉप फोर ब्रांड में भी ये आती है न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी एन स्कीम फटाफट बताइए दोस्तों कि यहां पे न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम को कौन चला रहा है तब तक मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं है कि नहीं तो दोस्तों आप लोगों से मैंने कमेंट में पूछा था कि आप लोग को बताना है कि भाई थीम कैसी लग रही है ये थीम अच्छी लग रही है ब्लू कलर की थीम हुआ करती थी पहले अभी मैंने थीम आज चेंज किया है बड़ा टाइम मेरा इसी में लग गया तो दोस्तों कैसी लग रही है ये थीम तो दोस्तों यहां पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ने दोस्तों इसे इस स्कीम को किया है इस स्कीम को लॉन्च किया फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रधानमंत्री बीजेपी योजना प्रधानमंत्री जन भारतीय जन उर्वरक परियोजना दोस्तों इसमें एक ब्रांड रखा जाएगा भारत ब्रांड नाम से उर्वरक रखे जाएंगे फर्टिलाइजर्स रखे जाएंगे और जो न्यूट्रिएंट बेस्ड दोस्तों सब्सिडी मिलेगी जो जितना अच्छा न्यूट्रिएंट देगा उसको उतनी अच्छी सब्सिडी मिलेगी तो दोस्तों आइए देखते हैं किन फर्टिलाइजर्स पर कितनी सब्सिडी देने की यहाँ पर बात कही गई है सरकार के द्वारा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इक्यावन करोड़ रुपए यहाँ पे इस स्कीम के लिए निकाले गए हैं पर केजी के हिसाब से दोस्तों सब्सिडी दी जाएगी न्यूट्रिएंट्स अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइन्टी एट पर केजी फॉस्फोरस पर सिक्सटी सिक्स रुपीज पर के जी पोटास पर ट्वेंटी थ्री रुपीज पर के जी और सल्फर पर सिक्स रुपीज पर के जी दोस्तों यहां पर एक अक्टूबर दो हजार बाईस से लेकर इकतीस मार्च दो हजार तेईस तक रबी सीजन में दोस्तों इस को अप्रूवल कैबिनेट ने दिया है फॉस्फेटिक एंड पोटैसिक फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी रेट्स दोस्तों अभी फॉर्मुलेट किए गए हैं ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त इक्यावन रुपए दोस्तों अकॉर्डिंग टू द डब्लू टी ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट विच कंट्री इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द एपेक रीजन एशिया पैसिफिक रीजन में दोस्तों आपको बताना है कि कौन से में जेंडर गैप कम है किस कंट्री में जेंडर गैप कम है दोस्तों तो ये साउथ कोरिया में है दोस्तों जेंडर पेमेंट इक्वेलिटी तो बीसीसीआई के नए हेड रोजर बिन्नी ने भी कर दिया है यानी जितना पुरुषों को मिलता था क्रिकेट टीम में टेस्ट का पैसा पर टेस्ट का पर वनडे का पर टी का उतना ही अब दोस्तों इनको भी मिलेगा तो आप बताइए कि टेस्ट में कितना मिलता था मेरे हिसाब से पंद्रह लाख पुरुषों को मिलता है वनडे में छह लाख टी में तीन लाख क्या मैं सही हूं ट्वेंटी में पहले उनको एक लाख मिलता था अब वो ती, तीन लाख रुपए मिलेगा क्या मैं सही हूं बात समझ में आ रही है दुनिया के सबसे बड़े टी ट्वेंटी खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव क्या बैटिंग की है थ्री सिक्सटी डिग्री वाली बैटिंग की है भाई साहब ए बी डिविलियर्स को भी लिखना पड़ा कि तुम उसी रास्ते पे चल रहे हो क्योंकि तो सूर्य कुमार यादव ने बोला कि मैं थ्री सिक्सटी सर की तरह बनना चाहता हूं तो ए बी डिविलियर ने कहा कि आप उनसे भी आगे चल रहे हैं तो दोस्तों साउथ कोरिया साउथ कोरिया दोस्तों यहां पे याद रखिएगा ओके साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है दोस्तों और वॉन यहां की करेंसी है साउथ कोरिया में बुसान शहर है दोस्तों जहां पे इंडिया सेंटर ओपन किया गया बुसान यूनिवर्सिटी में दोस्तों बुसान में एओसीएनएक्स नाम की एक फ्लोटिंग सिटी भी बन रही है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों भारत में चौसठ परसेंट है और साउथ कोरिया में नाइन्टी परसेंट है ठीक है सबसे ज्यादा जो है अंतर है इंडिया में चौसठ परसेंट का ठीक है दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक किस स्थान पर किस प्लेस पर आयोजित किया गया तो दोस्तों ये बेंगलुरु में किया गया आपको सारे मंत्री लाइन से दिख रहे होंगे सारे देश के मंत्री यहां पर दिख रहे हैं दोस्तों तो याद रखिएगा ओके तो दोस्तों हर जगह ऐसे मीटिंग इन्वे, इन्वेस्टर मीट्स होते रहते हैं उस राज्य में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों कोयला नीलामी एक बहुत बड़ी जो है कि दोस्तों घोटाला भी था कोयले नीलामी पे बड़ी नजर रहती है सुप्रीम कोर्ट के भी तो दोस्तों 141 माइंस के लिए 141 फोर्टी माइन्स के लिए दोस्तों कोयले के माइंस की नीलामी ऑक्शन दोस्तों शुरू किया जा रहा है कितने राज्यों के कोल माइंस दोस्तों इस ऑक्शन में हिस्सा लेंगे तो दोस्तों इससे जो है बारह राज्यों को लाभ होने की उम्मीद है ठीक है बारह राज्यों को दोस्तों इसमें लाभ होने की उम्मीद है तो ये सिक्स ट्रांच ऑफ ऑक्शन दोस्तों तीन नवंबर 2022 को हुआ जहां पर निर्मला सीतारमन जी भी दिख रही हैं दोस्तों और कोयला मंत्री भी दिख रहे हैं कोयला मंत्री भी दिख रहे हैं ठीक है प्रहलाद जोशी भी दिख रहे हैं निर्मला सीतारमन जी भी दिख रहे हैं पैसे का मैटर निर्मला जी आ ही जाएंगे हर चीज पे जीएसटी लगा दी आज किस चीज पे जीएसटी लगा दी है बताओगे जरा तो दोस्तों झारखंड में कोयले की खदाने हैं है ना झारखंड पे ही तो कोयले की खदान वाली मूवी बनी थी गैंग ऑफ वासेपुर उस समय वो बिहार का पार्ट हुआ करता था है ना और बिहार भी उस समय बंगाल का पार्ट हुआ करता था है ना जिस समय की मूवी है तो दोस्तों झारखंड हो गया छत्तीसगढ़ हो गया उड़ीसा हो गया मध्य प्रदेश हो गया महाराष्ट्र हो गया वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश तेलंगाना राजस्थान तमिलनाडु और बिहार दोस्तों झारखंड में जो है एक वो जगह है झरिया जो बड़ा प्रदूषित शहरों में भी आता था वहाँ कोयले की बहुत बड़ी खदान है दोस्तों मतलब आ, आ, बहुत पहले लोग मजदूरी करने जाते थे तो एक भोजपुरी में लोकगीत है जो बड़ा फेमस है कि भाई कोयले के खदान की तरफ लोग जाते काले हो जाते हैं तो दोस्तों बहुत ही सुंदर लोकगीत है कि फेक देलन थरिया बलम गैलन झरिया पहुंचलन की ना उठे हिया में लहरिया पहुंचलन की ना और सुने ली झरिया में कोयला बिकाला पानी हो खराग हर देह से सवराला तो दोस्तों ऐसे करके ये एक लोकगीत है मुझे पूरी लाइन इसकी याद नहीं है तो उसकी एक अगली लाइन है उसके रिदम को पूरा कर देता हूँ एक तरह रहना सांवर और हो ऐलन करिया पहुँचलन की ना बलम गैलन झरिया पहुँचलन की ना तो दोस्तों लोकगीत बहुत फेमस है यहाँ पे फोक के लिए दोस्तों जो है हम लोग का ये क्षेत्र है दोस्तों वो इज द न्यू सीईओ ऑफ एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ई के नए सीईओ कौन है ई के दोस्तों नए सीईओ कौन है ये आपको बताना है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों ये विशाल कपूर एनर्जी इफिसियंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ बन गए हैं ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में एकता नगर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी में एड्रेस किया ऑफिसर्स ट्रेनिंग को नाइन्टी सेवेंथ कॉमन फाउंडेशन कोर्स एट द क्लिमिनेशन ऑफ आरंभ 4.0 आरंभ की दोस्तों हर साल जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग मीटिंग वहीं पर केवड़िया में होती है अधिकारियों की मीटिंग जो है वहां पर केवड़िया में करते हैं तो ये आरंभ फोर पॉइंट जो है जीरो को पीएम ने एड्रेस किया यानी जो ऑफिसर्स शुरू कर रहे हैं अपनी जॉब उनके लिए दोस्तों आरंभ फोर पॉइंट जीरो का आयोजन किया जाता है ओके बात समझ में आ गया डिफेंस एक्सपो भी दोस्तों इस बार गांधीनगर में मोदी जी ने ऐसे भी एड्रेस किया था दोस्तों ठीक है क्लियर है दोस्तों अभी राजस्थान में मानगढ़ धाम को नेशनल मॉन्यूमेंट को घोषित करने ये गए थे उनके शहादत सह, के आदिवासी लोगों के शहादत को याद करने गए थे दोस्तों लेकिन शायद मानगढ़ को इन्होंने घोषित नहीं किया देखिए यहां पे जो एक नवंबर की न्यूज आ रही है इंडिया टुडे पे कि अशोक गहलोत कह रहे हैं वॉज एक्सपेक्टिंग पीएम मोदी टू डिक्लेयर मानगढ़ धाम नेशनल मॉन्यूमेंट लेकिन इन्होंने नहीं किया जाकर के भी लग रहा था इतना बड़ा फंक्शन कर रहे इतने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला रहे करेंगे लेकिन नहीं किया इन्होंने दोस्तों यहाँ पे लिखा है हिंदुस्तान की अखबार में कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं तो दोस्तों यहां पे पीएम के पास ही मंच पर बैठे सीएम अशोक गहलोत को बड़ी मायूसी मिली है तो दोस्तों कई जगह न्यूज में यह छपने लगा है कि मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो गया है तो अगर यह एक नवंबर की न्यूज है इसके बाद की न्यूज़ अगर यही मिलेगा कि इसके मानगढ़ को नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया है लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना सही इंफॉर्मेशन देना दोस्तों उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में दिल्ली कैंटोनमेंट पर विभिन्न स्थानों पर दोस्तों 17 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए दिल, इंडियन आर्मी के साथ टाइप किया दोस्तों दिल्ली कैंटोनमेंट हो या कोई भी कैंटोनमेंट एरिया छावनी एरिया हो वो आर्मी का एरिया होता है वहाँ पर बहुत हरियाली होती है बहुत आदर्श चीज़ें होती हैं प्रदूषण को वो लोग डिमोट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ आर्मी के लोग चलाएंगे आपस में भी यूज़ करेंगे लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए तो टाटा पावर से टाइप कर लिया है इंडियन आर्मी ने कि भाई तुम लगाओ तुमको हम काम दे रहे हैं पैसा देंगे लगाओ टाटा पावर वहां सत्रह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएगा हो सकता है टाटा पैसा भी ना ले क्योंकि आर्मी की बात है बात समझ में आ गया क्लियर है दोस्तों याद रखिए ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों इंडियन आर्मी एंड टाटा पावर हैव टेकन यूनिक स्टेप इन इंप्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन ई एम एम पी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान एंड द इंडियन आर्मीज गो ग्रीन इनिशिएटिव तो भारत सरकार का भी मिशन है इंडियन आर्मी का भी मिशन है इन दोनों के दोस्तों तहत ये काम किया जा रहा है दोस्तों हाल ही में किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल आ, रूरल लाइवलीहुड मिशन जिस पर अभी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था इसके तहत दोस्तों महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनको इस योजना में बेचा जाता है मार्केटिंग की जाती है अब इसकी मार्केटिंग के लिए दोस्तों फ्लिपकार्ट से कभी टाइप होता है कभी एमेजोन से टाइप होता है इस बार मार्केटिंग के लिए पतंजलि के साथ अप हुआ है पतंजलि आयुर्वेद के साथ दोस्तों आपको बताना है कि पतंजलि आयुर्वेद कंपनी किस कंपनी का इसका पुराना नाम क्या है पतंजलि आयुर्वेद का पुराना नाम तो दोस्तों ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसे चलाया जाता है कई बार जो है ये भी क्वेश्चन आता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको चलाया जाता है ठीक है ये भी दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आपको ये भी मिल सकता है ओके पतंजलि बाबा रामदेव का है ये तो बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों रूची सोया का नाम बदल के अभी पतंजलि कर दिया गया यानी पतंजलि जो मदर कंपनी थी वो रुचि सोया में मर्ज हो गई और उसका नाम अब पतंजलि हो गया है ठीक है रुचि सोया दोस्तों एक बैंक की लोन ली हुई एक कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी जिसको इंसॉल्वेंसी और बैंक कोड के तहत नीलाम किया गया और जिससे जो दोस्तों जिसे रामदेव जी ने खरीदा रामदेव जी ने उस बैंक का बकाया कर्ज जो है चुकाया और आज रुचि सोया पतंजलि के नाम से फेमस है ये कानपुर की तेल बनाने वाली फूड एफ वाली कंपनी थी दोस्तों उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत का पहला इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फिनेंशियल लिटरेसी कैंप श्रीनगर में स्टार्ट किया है और निवेशक दीदी पहल भी दोस्तों शुरू की है निवेशक दीदी महिलाओं को अवेयर करने के लिए दोस्तों फ्लोटिंग का मतलब है कि भैया श्रीनगर में डल लेक है डल लेक में दोस्तों क्या चल हाउस बोट चलते हैं वैसे आजकल तो एकता नगर में नर्मदा नदी पर भी ओयो का फ्लोटिंग हाउस बोट चल रहा है लेकिन असली तो श्रीनगर वाला ही है तो दोस्तों फ्लोटिंग एटीएम तो पहला सरकारी बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसके हेड है जे वेंकट रमु और दोस्तों जो है, आ, ये बहुत जल्द स्मॉल बैंक बनने वाला है। पांच साल का ऑपरेशन इसको कंप्लीट करना है 2018 में आया था तो जब ये पांच साल हो जाएंगे इसको तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रमोट हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो जितने भी पोस्ट ऑफिस है ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस टू फंड द फार्म इफिशियंसी इनिशिएटिव ऑफ स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी थ्रू अ थर्टी मिलियन यूएस डॉलर ब्लू लोन फैसिलिटी फॉर अ टेन्योर ऑफ फाइव ईयर दोस्तों स्मार्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी की किसी दक्षता पहल को दोस्तों और आगे बढ़ाने के लिए किस बैंक ने ब्लू लोन दिया है स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी को थर्टी मिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों ब्लू लोन क्या होता है ये आपको मैंने बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉप टेन फाइनेंशियल टर्म्स वाले में तो मैंने सैटरडे को जो टॉप टेन फिनेंशियल टर्म्स वाली क्लास ली थी उसमें ब्लू लोन पढ़ाया था और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई थी ठीक है क्लियर है तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों इसे जो है लॉन्च किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर की मनीला के मंडल में है दोस्तों कहाँ पर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला के मंडल में है और मसद सुगुआस इसके हेड है 1966 में आई थी और 68 कंट्रीज दो है दोस्तों इसकी क्या है इसकी मेम्बर है और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा अशोक लवासा दोस्तों कौन है भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पूर्व चुनाव आयुक्त मुख्य नहीं थे चुनाव आयुक्त थे एशियन डेवलपमेंट बैंक ब्लू लोन क्या है दोस्तों ओशियन के किनारे जो रहने वाली जो लोग हैं उनके जुड़ी हुई जो इकनॉमी है वो उससे रिलेटेड ब्लू लोन दिए जाते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोन दिए जाते हैं दोस्तों ताकि समंदर का पानी ब्लू ही रहे इनवायरमेंट जो है ब्लू ही रहे यानी शुद्धता रहे दोस्तों इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोन दिए जाते हैं दोस्तों उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक जीरो बैलेंस डिजिटल करेंट अकाउंट ओपन किया है और इसे लॉन्च करने के लिए उसने चेकबुक नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है चेकबुक नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है दोस्तों एनएचडीएल पेमेंट बैंक ने आपको बताना है कि एन एच डी एल पेमेंट बैंक के हेड कौन है एन एच डी एल पेमेंट बैंक के दोस्तों हेड कौन है ये आपको बताना है दोस्तों ओके क्लियर चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों चेकबुक ऐप पर यहां पर जो है ये नियो बैंक का भी यहां पे जिक्र हुआ है नियो बैंक दोस्तों वर्ड यहां पे क्वाइन किया गया है इसका मतलब क्या है देखिए पहले ही लाइन में चेकबुक के बगल में नियो बैंक लिखा है नियो बैंक एक ऐसी कंपनी होती है जो बैंक नहीं है लेकिन हंड्रेड परसेंट डिजिटल है और हंड्रेड परसेंट डिजिटल बैंकिंग कर रही है हंड्रेड परसेंट डिजिटल बैंकिंग को हम नियो बैंकिंग कहते हैं दोस्तों आजकल नया टर्म है एग्जाम में पूछा जाता है ओके समझ गए चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों चेकबुक ऐप पर तुरंत करेंट अकाउंट खोला जा सकता है जो आठ अलग अलग भाषाओं में ये ऐप उपलब्ध है दोस्तों विच स्टेट्स रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ग्राम वंडी नेशनल कमेंटेशन अवॉर्ड इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ सिटी विथ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो दोस्तों शहर जो कि बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके चल रहा है किस राज्य की रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को इसके लिए अवार्ड किया गया सम्मानित किया गया तो यह केरल को सम्मानित किया गया है ठीक है क्लियर है हंड्रेड दोस्तों जैसे सम्मानित किया गया केरल हर चीज में दोस्तों अच्छा काम करता ही है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए हेड बनने के लिए किसे अपॉइंट किया गया है तो फिक्की के नए हेड दोस्तों संजीव मेहता की जगह सुब्रकांत पांडा बनने वाले हैं ठीक है तो फिक्की के नए हेड दोस्तों कौन बनने वाले हैं दोस्तों 16 सत्रह दिसंबर को इसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी संजीव मेहता को सक्सीड करेंगे सुब्रकांत पांडा ये दोस्तों उड़ीसा के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कौन है फिक्की उड़ीसा के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडियन मेटल एंड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दोस्तों ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों भारतीय सेना ने स्नीफर डॉग जो कि भाई सूंग के विस्फोटकों का पता लगाते हैं दोस्तों एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स को चार हैं इन डॉग्स को किस देश को दिया है दोस्तों तो नई दिल्ली से इसे किस देश की सेना में पहुंचाया गया है कंबोडिया कंबोडिया को दोस्तों चार विस्फोटक कुत्ते दिए गए अभी दोस्तों एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि किस देश को हमने बसेस दी हैं या ट्रक दिया है किसी देश को हमने साइकिल दी है किसी देश को हमने बाइक्स दिए हैं आपको इसके बारे में जानना किस देश को हम लोग दोस्तों बसेस दिए थे ये क्वेश्चन अभी ही हाल ही में एग्जाम में बैंक में आपके पूछा गया था तो ये चीजें याद रखा कि किसेर विमान दिया किसे ब्रह्मोस मिसाइल दी किसे हम लोगों ने दोस्तों ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया दोस्तों आईसीसी का नया मेंबर भी कंबोडिया है तीन देश आईसीसी में नए मेंबर बने हैं दोस्तों ठीक है कंबोडिया की कैपिटल है नोमपेन और रियल इसकी करेंसी है कंबोडिया का अंकोरबाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है इससे भी बड़ा मंदिर वेस्ट बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों इसकोन वाले बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वेस्ट बंगाल के नाडिया में दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया तो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है कहां पे शुरू हुआ है जो है सर ई डब्ल्यू एस टेन परसेंट कोटा अप्रूव्ड सर हटेगा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तीन दो से फेवर में हो गया अच्छा ईडब्ल्यूएस एस कोटा पे जो किसी ने आपत्ति भी की थी क्या देखिए ई डब्ल्यू एस कोटा पे मैंने आप लोग को एक बहुत जरूरी बात कल बताई थी कल रात को अक्टूबर का मंथली करंट अफेयर चल रहा था तो उसमें ओबीसी वालों के लिए बड़े फायदेमंद बात है ओबीसी वालों के लिए क्या फायदेमंद बात है बहुत सारी ऐसी ओबीसी कम्युनिटी है जो राज्य में तो ओबीसी है केंद्र वाले लिस्ट में ओबीसी नहीं है सेंट्रल वाले में स्टेट वाले में है ऐसे ओबीसी कैटेगरी वाले ई कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं ऐसे लोग ई कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में तैतीस जिले बन गए हैं तैतीसवां जिला कौन बना है बत्तीसवां तो महेंद्रगढ़ बना था तैतीसवां कौन सा बना है शक्ति बना है ठीक है छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभी जो है कौन सी योजना भी चलाई गई थी जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी फटाफट बताइएगा दोस्तों कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है अर्धसैनिक बल है जिसने पहली बार दो महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर प्रमोट किया है तो दोस्तों दंगा नियंत्रण करने वाली जो संस्था है दोस्तों सीआरपीएफ सीआरपीएफ जिसकी नीली वाली वर्दी होती है इसने भैया दो ऑफिसर्स को सीमा ढुंडिया को और एनी अब्राहिम को दोस्तों आईजी रैंक पर जो है प्रमोट किया है इंस्पेक्टर जनरल आईजी ठीक है ये पहली टाइम है दोस्तों जबकि नाइनटीन एटी सेवन में ये आई थी तब से लेकर अभी तक में पहली बार है दोस्तों जबकि किसी को आई, महिला को आईजी पर प्रमोट किया गया है ठीक है तो दोस्तों पहली बार महिलाओं को तो यहां पे 1986 में इंडक्ट किया गया था लेकिन उसके बाद दोस्तों 1987 से लेकर अभी तक किसी को आईजी पद तक नहीं पहुंचाया गया था दोस्तों कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का पहला नंबर वन टी ट्वेंटी बल्लेबाज बन गया है रिजवान को पीछे करके पाकिस्तान के रिजवान को पीछे करके इंडिया के मिस्टर थ्री सिक्सटी डिग्री स्काई के नाम से फेमस सूर्य कुमार यादव को दोस्तों नंबर वन बल्लेबाज बना दिया गया एक हजार पॉइंट अब तो उनके बन गए दोस्तों जब ये नंबर वन बने थे तो एट सिक्सटी थ्री पॉइंट थे लेकिन पीछे के साउथ अफ्रीका मैच में सिक्सटी एट रन मारा और अभी दोस्तों इन्होंने करीब साठ रन से ऊपर अभी मारा जो गजब का खेला दोस्तों इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दोस्तों यूपी का रानीपुर जो है वो चौथा टाइगर रिजर्व यूपी का बन गया भारत का फिफ्टी थर्ड टाइगर रिजर्व बन गया है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों पहला टाइगर रिजर्व कहलाएगा वैसे एमपी की तरफ से पन्ना और दुर्गावती हैं लेकिन इंडिया की तरफ से और ये सब दोस्तों केन बेतवा और यमुना के बीच में केन और बेतवा की जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इस सब बुंदेलखंड रीजन को पानी पहुंचाने के लिए है दोस्तों सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस किस राज्य में आयोजित किया गया है तो दोस्तों इसे गोवा में आयोजित किया गया कहां पर आयोजित किया गया मेरे भाई गोवा में आयोजित किया गया एक हजार रन 2022 में है केवल पॉइंट नहीं है पॉइंट कितना है पॉइंट भी हमको लगता है कि एक हजार पहुंच गया होगा जहां तक कल मेरी बात हो रही थी तो दोस्तों ये गोवा है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों अभी यहां पर फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी होने वाला है और अगले साल सैंतीसवां नेशनल गेम भी दोस्तों गोवा में ही होगा ठीक है दोस्तों अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन कितने रुपए था जो इस साल का सेकंड हाईएस्ट है अप्रैल में दोस्तों सबसे हाईएस्ट बना था वन लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी करोड़ और अभी दोस्तों डेढ़ लाख करोड़ को पार किया है इस बार डेढ़ लाख करोड़ के बेंचमार्क को दूसरी बार पार किया है जीएसटी कलेक्शन ने अक्टूबर में जो कलेक्शन आया है वो एक लाख इक्यावन हजार सात सौ अट्ठारह करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आया है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों जीएसटी अभी किस चीज पे लगाई गई है दोस्तों भारत पेट्रोलियम के नए हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया भारत पेट्रोलियम के नए हेड के रूप में वी आर कृष्ण गुप्ता को अपॉइंट किया गया वी आर कृष्ण गुप्ता को बीपीसीएल के नए हेड के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया है ठीक है क्लियर है गोवा के ब्लू बिल्डिंग में जीएसटी और कस्टम का धरोहर म्यूजियम स्टार्ट किया गया बिल्कुल सही दिव्या बिल्कुल सही आईआरसी ने टिकट कैंसिलेशन पे फाइव परसेंट चार्ज लगाया बिल्कुल सही आयुष बहुत बढ़िया तो दोस्तों वी आर कृष्णा गुप्ता बीपीसीएल के नए हेड बन गए इंडियन ऑयल के हेड हैं श्रीकांत माधव वैद्य और गेल कंपनी के हेड हैं संदीप कुमार गुप्ता ठीक है दोस्तों प्रसिद्ध गांधीवादी ईलाबेन भट्ट का निधन हो गया दोस्तों इनकी डेथ हो गई है किस संघ की संस्थापक थी किस एसोसिएशन की फाउंडर थी तो सेवा की ये फाउंडर थी दोस्तों सेवा का फुल फॉर्म क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन गांधीवादी इन्हें क्यों कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये साबरमती आश्रम की चेयरपर्सन भी थी और महात्मा गांधी आ, की जो फाउंडेड गुजरात विद्यापीठ था उसकी चांसलर भी थी दोस्तों ठीक है और दोस्तों इन्होंने सी ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वर्ल्ड लीडर कॉल्ड एल्डर्स फाउंडेड बाय नेशनल मंडेला टू प्रमोन ही प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड पीस अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में शांति और मानवाधिकारों के जो है पालन के लिए दोस्तों नेल्सन मंडेला के द्वारा फाउंड की गई ग्लोबल लीडरों की जो ग्रुप थी एल्डर्स नाम से उसको भी इन्होंने ज्वाइन किया था टू में पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 1985 में मिला था और रेमन मैक्सेसे अवार्ड जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है वो 1977 में इनको मिला था इला भट्ट को दोस्तों यूपीआई ने भी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है और अक्टूबर 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 7.7 परसेंट बढ़कर कितना परसेंट हो गया है दोस्तों तो ये सात करोड़ रुपए हो गया अक्टूबर दो में यूपीआई ट्रांजेक्शन सेवन पॉइंट सेवन परसेंट बढ़कर दोस्तों कितना सात सौ तीस करोड़ रुपए हो गए हैं तो यूपीआई भी अपना रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है दोस्तों तो यहां पे अगर देखा जाए वैल्यू में कितना हुआ है ट्रांजेक्शन तो सात सौ तीस करोड़ हुए हैं लेकिन रुपए में अगर ट्रांजेक्शन देखा जाए तो बारह लाख ग्यारह हजार करोड़ ट्वेल्व लैख इलेवन थाउजेंड करोड़ का की वैल्यू का दोस्तों यूपीआई ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन 730 करोड़ दोस्तों भारत किस देश के साथ एकटा एग्रीमेंट करता है यानी एकटा एग्रीमेंट भारत ने किस देश के साथ किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों यह भारत ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है ठीक है ओके okay. तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है डॉलर यहाँ की करेंसी है और दोस्तों मेलबर्न में फाइनल होने वाला है मेलबर्न दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था दोस्तों जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बनने के पहले अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक लाख अड़तीस हजार की कैपेसिटी वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में दोस्तों किस कंपनी ने एक्सिस बैंक में चौदह करोड़ रुपए में 16.7 मिलियन शेयर बेचा है तो दोस्तों यहां पे एक्सिस बैंक में चौदह करोड़ का शेयर बेचा है बेन कैपिटल ने एक्सिस बैंक में दोस्तों शेयर बेचा है किसने बेन कैपिटल ने यह शेयर बेचा है दोस्तों ठीक है दोस्तों ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क जिन्होंने 44 बिलियन में दोस्तों इसे खरीदा है और इनका कहना है कि फोर मिलियन का पर डे लॉस हो रहा है ट्विटर को इसीलिए मैं नहीं खरीद रहा था तो अब मुझे पैसा चाहिए तो पहले तो इन्होंने फिफ्टी परसेंट लोगों को बाहर कर दिया पराग अग्रवाल को भी बाहर कर दिया जो सीईओ थे तो दोस्तों आधे इंप्लॉयों को इन्होंने पहला काम किया बाहर कर दिया ठीक है अब दोस्तों इसके बाद जो है लॉस को कवर करने के लिए अब इनसे गलती हो गई कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को भी बाहर कर दिया अब उन लोगों को वापस बुला रहे हैं फोन कर करके खैर अब इन्होंने पैसा कमाने के लिए कुछ वेरीफाइड अकाउंट जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के होते हैं उन पर ब्लू टिक होता है और जिनके पे ब्लू टिक नहीं होता है ना तो उनको अपनी बेजती महसूस होती है कि यार हमारे पे ब्लू टिक नहीं है यानी कि हम फेमस नहीं है क्या तो दोस्तों अब इस ब्लू टिक इमोशंस के साथ इस प्रेस्टिज के साथ खेलने के लिए एलॉन मस्क ने एक दिमाग लगाया है कि भैया वो एट डॉलर पर मंथ लेंगे एट डॉलर पर मंथ लेंगे एलॉन मस्क ने एक ट्वीट भी किया है कि आप चाहे मुझे जितना ही गालियां दो लेकिन मैं तो एट डॉलर पर मंथ लूंगा ही लूंगा तो दोस्तों ये याद रखिएगा ठीक है ठीक है तो करीब साढ़े तीन हजार या ढाई हजार से साढ़े तीन हजार के बीच में लोगों को निकाला गया पूरी दुनिया भर से दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग भारत में हुई इंडिया ने इसे चेयर किया था अट्ठाईस तारीख को मुंबई में और उनतीस तारीख को दिल्ली में हुई अब दोस्तों काउंटर टेररिज्म कमेटी को दिल्ली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया इस मीटिंग में भारत ने और दोस्तों आतंकवाद से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म के लिए भारत ने पैसे भी दिए तो दोस्तों भारत ने कितने पैसे दिए हैं लाख डॉलर फाइव लाख डॉलर दोस्तों भारत ने दिए हैं ठीक है क्लियर है याद रहेगा ओके okay. दोस्तों निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक सरकार द्वारा इस वर्ष राज्योत्सव पुरस्कार जीता है कर्नाटक अपना राज्योत्सव मना रहा है दोस्तों तो ये जो इसरो के पूर्व हेड थे चंद्रयान टू के समय हेड कर रहे थे के सीवन साहब दोस्तों मोदी जी से गले वाले खूब जादू की झप्पी लिए थे दोस्तों इनको इस बार का राज्योत्सव पुरस्कार मिला है ऐसे इनके जैसे 67 हस्तियों को मिला है दोस्तों जिसमें कि अभिनेता दत्ताना थे अविनाश थे सीही ही चंद्रू थे दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों को ये राज्योत्सव पुरस्कार मिला है दोस्तों यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज जिसका हेडक्वार्टर जेनवा में यू का भी है्यूमन राइट वाले यू का भी है तो दोस्तों आपको यहां पर बताना है कि दोस्तों जो है कि किस देश ने सबसे ज्यादा शरणार्थियों का वेलकम किया है रिफ्यूजीज को वेलकम किया है तो दोस्तों मुस्लिम देशों में युद्ध चलते हैं तो वो तुर्की की तरफ भागते हैं तो तुर्की दोस्तों क्योंकि मुस्लिम देशों का खलीफा भी माना जाता है तो तुर्की अब तो तुर्की नहीं बोलते हैं तर्की नहीं बोलते हैं, इसको तुर्की बोलते हैं तो टर्की इसने अपना नाम रख लिया है अंकारा इसकी कैपिटल है लीरा इसकी करेंसी है यहां पे सबसे ज्यादा दोस्तों 3.75 मिलियन पीपल्स आए और दोस्तों कोलंबिया में 2.5 मिलियन उसके बाद कोलंबिया है दोस्तों ठीक है सेकंड नंबर पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो नानसिन पीस प्राइज और यूनेस्को पीस प्राइज अभी जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मॉर्कल को मिला था इसी रिफ्यूजीज को शरण देने के लिए कि उन्होंने दस साल तक बहुत सारे रिफ्यूजीज को शरण दिया दोस्तों साउथ अफ्रीका के साथ भारत के आर्थिक जुड़ाव को फिर से मजबूत करना इस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा पॉइंट सही है दोस्तों एग्जिम बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उसने कहा है कि दोस्तों इंडिया जो है बहुत तेजी से डिफेंस एक्सपोर्टर बन के उभरा है दोस्तों इसने ये भी कहा कि इंडिया जो है अफ्रीका की सारी जो है जरूरतों को पूरा कर सकता है मेरी की एरो स्पेस की और डिफेंस की यानी जल थल और नव तीनों की चाहे वो मॉरिसस हो मोजाम्बिक हो सेशेल्स हो उसको बहुत सारे गोला बारूद आम से यहाँ सप्लाई भी किए गए हैं ठीक है 2017 से लेकर 2021 तक दोस्तों यहाँ पे यह बोला गया सिपरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि 2017 से लेकर दो तक में भारत जो है तेईसवें नंबर का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन गया है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस सप्लाइज बन गया है एशिया पैसिफिक में चौथे नंबर का है पूरी दुनिया में तेईसवें दोस्तों याद रखिएगा ओके ओके चलो एग्जिम बैंक फर्स्ट जनवरी नाइनटीन मुंबई हेडक्वार्टर एक्जिम बैंक हेड हर्षा भंडारी ओके दोस्तों उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में रिसर्च प्रोजेक्ट्स और जियोग्राफिकल सर्वे के लिए आईआईएससी बेंगलुरु के साथ टाइप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ दोस्तों टाइप किया है तो ये गरुण एरोस्पेस ने किया है गरुण एरोस्पेस जिसने ड्रोनी नाम का ड्रोन निकाला कुलालमपुर मलेशिया में फैक्ट्री डाली धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया उसने IISc बेंगलोर के साथ टाइप किया है दोस्तों ठीक है IISC बेंगलोर भारत का का सबसे बेस्ट इंस्टिट्यूट माना जाता है दोस्तों उस बैंक नाम बताइए जिसने स्टार सुपर ट्रिपल सेवन फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की है स्टार सुपर ट्रिपल सेवन फिक्स डिपॉजिट स्कीम दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में स्टार होता है दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में एक सितारा होता है इसलिए इसका भी नाम स्टार है तो बैंक ऑफ इंडिया को क्योंकि तो आजकल लोगों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में क्या है कौन सा जानवर है तो इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग मुंबई हेडक्वार्टर दोस्तों इसमें जो है आपका स्टार है और इस स्कीम में भी स्टार है ट्रिपल सेवन इसे इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि ट्रिपल सेवन डेज के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई है ठीक है दिव्या बता रही हैं कि अतनु कुमार दास सर इसके हेड है वेरी गुड बहुत अच्छा दोस्तों सपोर्टिंग स्टाफ और उनके फैमिली को दोस्तों मदद करने के लिए बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस ने एक पहल शुरू की है उस पहल का नाम क्या है उस पहल का नाम है दोस्तों सहयोग क्या नाम है सहयोग आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने सहयोग नाम से दोस्तों इसे लॉन्च किया ठीक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी तिरंगा प्लस नाम से एक डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी है फिक्स डिपॉजिट स्कीम जिसमें 7.5 परसेंट पर एनम ब्याज इसीलिए रखा गया है दोस्तों क्योंकि आजादी के पचहत्तर साल हुए हैं तो देखिए साढ़े सात में भी पचहत्तर दिख रहा है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए दोस्तों उस कंपनी का नाम बताइए जिसने एल की सप्लाई और डी कार्बोनाइजेशन का पता लगाने के लिए धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ टाइप किया है तो दोस्तों यहां पे गेल इंडिया ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ टाइप किया है ओके याद रहेगा सभी को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों हाल ही में किस कंपनी ने पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के साथ मिलकर लाइव ट्रैकिंग बसों को ट्रैक करने के लिए एक इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है दोस्तों पुणे महानगर परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट जो उनकी है दोस्तों उसके लिए दोस्तों यहां पर गूगल क्लाउड ने दोस्तों ये इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है पुणे महानगर की जो बसेस हैं उनको लाइव ट्रैक किया जा सकेगा गूगल क्लाउड के सहयोग से ओके बहुत बढ़िया तो पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में दोस्तों यहां पर यह चीजें जो हैं शुरू की जा रही हैं। तो गूगल मैप का भी सहारा इसके लिए लिया जाएगा बसों को ट्रैक करने के लिए दोस्तों कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के बेंगलुरु में सिक्सटी सेवेंथ कन्नड़ राज्योत्सव में दोस्तों मरणोपरांत कर्नाटक रंत से किसको सम्मानित किया दोस्तों सिक्सटी सेवेंथ स्टेटहुड डे कितनी राज्य मना रहे हैं उन राज्यों का नाम लिखिए जो सिक्सटी सेवेंथ स्टेटहुड डे मना रहे हैं उन राज्यों का नाम आप लोग लिख दीजिए दोस्तों तो मजा आ जाए मुझे राज्यों का नाम लिखना है बस जो जो याद आते जाए एक एक भी लिख सकते हो दोस्तों पुनित राजकुमार जी जो कर्नाटक के एक्टर थे दोस्तों उनका भी निधन हुआ है इन्हें भी मरणोपरांत पोस्थुमस्ली दोस्तों कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है ओके दोस्तों कर्नाटक रत्न अवार्ड 1992 में शुरू किया गया था चीफ मिनिस्टर एस बंगरप्पा के द्वारा दोस्तों डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है तो दोस्तों परमा क्राइसिस को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है इस साल का शब्द चुना गया है कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा दोस्तों क्यों चुना गया है इसको पिछली बार एनएफटी को चुना गया था ने, नेशनल फंजीबल टोकन दोस्तों क्योंकि ये देखिए वहां पे आप देख सकते हैं सामान इकट्ठा कर रही है पब्लिक फोटो में देखिए वेट कर रही है क्योंकि भैया वहां पे जो है पाउंड के रेट बढ़ रहे हैं टैग टैंक भी बगल में दिखाया जा रहा है यानी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कितने दिन का राशन हम इकट्ठा करें क्योंकि युद्ध कितने दिन चलेगा जनता भी वहां की जो है परेशान है नौकरी पे जाए कि ना जाए दुकान जाए कि ना जाए ये परमा क्राइसिस जैसा कि हम लोगों ने कोरोना के समय में देखा था वैसा ही क्राइसिस यूक्रेन और रशिया वॉर के समय में भी परमानेंट क्राइसिस है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है तो दोस्तों इसलिए परमा क्राइसिस वर्ड जो है इस बार का कॉलिंस डिक्शनरी ने दोस्तों कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर चुना सोनल बता रही है कि मक्खी पिक्चर के हीरो नहीं विलेन किच्चा सुदीप को कर्नाटक ने दोस्तों कर्नाटक की जो है एक गायों को गोद लेने वाली स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत बढ़िया शानदार मैं आपकी जो है इसकी तारीफ करता हूं चलिए दोस्तों किस राज्य सरकार ने हाल ही में सीएम डैशबोर्ड और ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया है तो सीएम डैशबोर्ड और ई उपहार पोर्टल दोस्तों ये हरियाणा ने लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है मेरे भाई हरियाणा ने लॉन्च किया है इस बात को याद रखिएगा ओके क्लियर है याद रहेगा बहुत बढ़िया दोस्तों उस राज्य के सीएम का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पर्पल फेस्ट का लोगो लॉन्च किया है पर्पल महोत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों इसका लोगो लॉन्च किया है जो जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा तो गोवा में दोस्तों पर्पल फेस्ट आयोजित किया जाएगा सैतीसवा नेशनल गेम भी होगा और फिफ्टी थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल भी होगा दोस्तों ठीक है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों प्रमोद सावंत गोवा के जो है चीफ मिनिस्टर हैं और दोस्तों पी एस श्रीधरन पिल्लई जो है ये गोवा के गवर्नर हैं ठीक है गोवा में दोस्तों जीएसटी धरोहर म्यूजियम भी शुरू किया गया है ब्लू बिल्डिंग में दोस्तों इंटर जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक मनाया जाता है यह दोस्तों कब मनाया जाता है इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक तो दोस्तों यह जो, जो है मनाया जाता है लास्ट फुल वीक ऑफ अक्टूबर लास्ट फुल वीक ऑफ अक्टूबर में दोस्तों इसे मनाया जाता है उसी समय मीडिया वाला वीक भी मनाया जाता है ठीक है उस उसी वीक में दोस्तों आपका इंटरनेट डे भी मनाया जाता है एनिमेशन डे भी मनाया जाता है और उसी वीक में दोस्तों नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे वाला जो वीक है दोस्तों उसी में आपका विजिलेंस वीक भी मनाया जाता है जो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चला एक नवंबर से पाँच नवंबर तक दोस्तों आपका वाटर uh, वीक चला है वाटर वीक लेकिन ये तो थी बात नवंबर की या अक्टूबर के लास्ट की अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दोस्तों कौन सा वीक मनाया गया था ये बताइए आप लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कौन सा वीक मनाया गया था दोस्तों ये आपको बताना है और हम लोगों ने दोस्तों अपने जो बचे हुए वीकली करंट अफेयर्स थे उसको कंप्लीट कर लिया दोस्तों कल हम लोगों ने संडे को 12 बजे हम लोगों ने एक तारीख से तीन तारीख तक का पढ़ा था आज हमने चार और पांच तारीख का पढ़ लिया यानी वीकली करेंट अफेयर पूरी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए ठीक है दोस्तों पीडीएफ आपको जीए ए बाई सर टेलीग्राम पे अभी से पांच मिनट के बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगा ठीक है और दोस्तों अक्टूबर मंथली करंट अफेयर की भी दोस्तों पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी याद रखिएगा पीडीएफ के लिए दोस्तों जीए बाई प्यूसर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा अभी मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा ओके ठीक है तो चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया मैंने पूछा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कौन सा वीक मनाया जाता है तो दिव्या ने जवाब दिया है कि स्पेस वीक मनाया जाता है अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है बिल्कुल सही जवाब है आप जीत चुकी हैं आठ रुपए बहत्तर पैसे सर प्लीज सितंबर का डेडिकेटेड सेशन लीजिए एक अक्टूबर वाला लिए आरआरबी क्लर्क के टाइम लिए थे वो पंद्रह सितंबर तक ही था तो पंद्रह सितंबर तक ही सितंबर का जो मैं मंथली करंट अफेयर कराया हूं वो तो पूरा था ना तो अब तो बेस्ट टू हंड्रेड में सितंबर स्टार्ट होने वाला है तो एक काम करेंगे पंद्रह तक किए थे सितंबर के लास्ट से शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में आते हैं ठीक है बेस्ट टू हंड्रेड सीरीज को हम लोग जो है तीस सितंबर से शुरू करेंगे ओके तीस सितंबर से शुरू करके और एक सितंबर की तरफ आएंगे अगस्त का लास्ट हम लोग कर ही चुके हैं तो बेस्ट टू हंड्रेड सेशन जो कि रात को नौ बजे होता है उसमें हम लोग इस तरीके से करके कर लेंगे क्या एक से तक हो चुका है, आपका यह कहना है ना कोई बात नहीं ठीक है और कोई बात और कोई बात वो पंद्रह तक था मंथली वाला ऐसी बात नहीं है कि पंद्रह तक था सितंबर वाला पूरा था पंद्रह तक नहीं था जो मैंने छह दिन में छह करंट अफेयर्स कराए थे उसमें जो है पूरा था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि पंद्रह तक था ऐसा था पूरा मंथ कवर था उसमें ठीक है तो चलिए दोस्तों आ, हम लोग जो है आज नए चैनल को भी लॉन्च कर रहे हैं अपनी टीम भी लॉन्च कर रहे हैं तो बहुत जल्द किसी भी समय हम लोग लॉन्चिंग कर सकते हैं आ, वैसे तो शाम को छः बजे का टाइम है लेकिन मैं कोशिश करूंगा और पहले लॉन्चिंग करने की छः बजे भी हो जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों को लिंक उस नए चैनल का हम लोग जो है देंगे अभी आ, कहां पे टेलीग्राम पे ठीक है और आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जीतने का मौका भी है इंस्टाग्राम पे भी उसकी लिंक है टीचर गेस करो और पाओ मॉक टेस्ट जीतने का मौका तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाके उस लिंक पे जाइए इंस्टाग्राम के और वहाँ जाके टीचर के नाम गेस कीजिए और जीतिए दोस्तों मॉक टेस्ट जीतने का मौका ओके चलिए बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल बाय